जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 50 तक हमने कवर किया था दोस्तों। और आज के वीडियो में हम वहीं से क्वेश्चन 51 से लेकर आगे के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सके। तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन 51 है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। चलिए ऑप्शन देखेंगे, संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो देखेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4, ठीक है। कथन 1, 3 और 4 यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है, जबकि कथन 2 जो है यहां पर सही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केवल 1, 3, 4। चलिए क्वेश्चन 52 देखेंगे, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आ रहा है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब देखिए यहां पर क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 53, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2 और 13। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन 54 है, कथन ए, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी जो ये लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसको हम एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करेंगे कंप्लीटली। इस बुक को हम करने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपके जो आगामी एग्जाम्स है उनमें आपको सफलता मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी मास्की, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मास्की। चलिए क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो दोस्तों, यहां पर देखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये स्थापत्य संरचना के भाग ये क्या है, यहां पर गलत है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने, ठीक है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो मौर्य शासक अशोक ने की थी। क्वेश्चन 58 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, यहां पर प्रांत दिए गए तथा उनकी राजधानी हमें यहां पर देखनी है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन 58 चलिए देखेंगे, उत्तरापत, तो दोस्तों तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ठीक है, दक्षिणापत सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जयिनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश, तो दोस्तों पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो यहां पर कूट 1, 2, 3, 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 60 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4th वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, उपगुप्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा ये कहा गया था, क्या कहा गया था, पाटलिपुत्र को जो है मेगास्थनीज ने कहा पोलीब्रोथा। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण का जो अधिकारी होता था उसे जो है मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ या गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन 64 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो पूरा जरूर देखें।
चलिए देखेंगे यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे कि श्रीलंकाई शासक ने आपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की, तो दोस्तों 30 ने की थी। चलिए क्वेश्चन 65 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन में जो है क्या होता है कि जैन ये जो है जैन ग्रंथ है जो कि इसमें क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन 66 देखेंगे, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, तो दोस्तों मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष है किस महीने से आरंभ होता है ये बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है 1, 3, 4, 5 यानी कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। ठीक है, ये जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो दोस्तों क्वेश्चन 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन 70 है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन 71 है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहां की खदानों से निकाला गया, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए ठीक है मिर्जापुर के समीप चुनार। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है, दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है मेगस्थनीज। क्वेश्चन 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस एक से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है 13वां बृहत शिलालेख। क्वेश्चन 75 देखेंगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए उज्जैन का ठीक है, बिंदुसार की जब मृत्यु होती है तो उस समय जो है अशोक जो है उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। क्वेश्चन 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन 77 है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है कलिंग का पृथक शिलालेख। चलिए क्वेश्चन 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी ठीक है 6वें शिलालेख में ये सभी बातें जो है उल्लेखित है। चलिए क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है प्रादेशिक, राजुक तथा युक्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिस्टी है, तो दोस्तों बिस्टी क्या है हमें बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेगारी। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये हमारा मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।